ఢిల్లీలో ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. हमने आपको बदनाम नहीं किया, आप बहुत अच्छा काम करते हो. हम सिर्फ एक चौकीदार की बात करें, जो चोर माइनॉरिटी की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं. देखिए, ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का, किसी एक प्रदेश का, किसी एक भाषा का नहीं. ये देश हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का है. लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है. एक विचारधारा कहती है कि ये देश सबका है, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं. हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, क्या नाम था उनका? मौलाना आजाद. तो अगर आज आप आईआईटी की बात करते हो, अगर आज आप आईआईएम की बात करते हो, अगर आज आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम की बात करते हो, तो आपको मौलाना आजाद की बात करनी ही पड़ेगी. अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो स्पेस प्रोग्राम की नींव किसने रखी? नाम क्या था? विक्रम साराभाई. उनका धर्म क्या था? जैन धर्म. तो अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो आपको विक्रम साराभाई की बात करनी पड़ेगी. यस. अगर आप सफेद क्रांति की बात करते हो, तो आपको कुरियन जी की बात करनी पड़ेगी. यस. अगर आप 1971 की बात करते हो, तो आपको फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात करनी पड़ेगी. यस. और अगर आप लिबरलाइजेशन की बात करते हो, और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, तो आपको मनमोहन सिंह की बात करनी पड़ेगी. तो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, इन्होंने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है, और इस देश को हर धर्म के लोगों ने बनाया है. ये देश हम सबका है. दो विचारधारा है. एक विचारधारा कहती है ये देश सोने की चिड़िया है. अमित शाह के शब्द हैं. अमित शाह ने कहा कि ये देश सोने की चिड़िया है, मतलब ये देश एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट. सोने की चिड़िया से सोना मिलता है, और उसका फायदा चुने हुए लोगों को मिलना चाहिए. और दूसरी सोच, ये देश एक नदी जैसी है. इस नदी में सब लोग हैं, ये एक साथ चलती है, और हर एक व्यक्ति को नदी में, देश में जगह मिलनी चाहिए. चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा को, किसी भाषा बोले, कुछ भी पहले, सबको इस देश में सही जगह मिलनी चाहिए. ये लड़ाई है. और लड़ाई बैटल फील्ड क्या है? बैटल फील्ड कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, आरएसएस का लक्ष्य, आरएसएस चाहता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे परे कर दिया जाए, और इस देश को नागपुर से चलाया जाए. आप देखिए, जुडिशियल सिस्टम में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, डालते हैं. इलेक्शन कमीशन में अपने लोग डालते हैं. सीबीआई का चीफ अगर नरेंद्र मोदी पर इंक्वायरी करना चाहता है, उसको परे करते हैं, आरएसएस आदमी डालते हैं. तो उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का है, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नागपुर से चलाया जाए, और उनके क्या नाम है उनके बॉस का, मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाए.
नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेसिंग, मोहन भागवत जी पीछे रिमोट कंट्रोल, ये इनकी सोच है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो किसी पार्टी के नहीं, वो इस देश के इंस्टीट्यूशन है। और वो सबसे साथ उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी। और तब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए चार सुप्रीम कोर्ट के साथ भारत कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उसी लाइन में कहते हैं जस्टिस लोया का नाम लेते हैं और अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दे रहा है। हर इंस्टीट्यूशन को आक्रमण करते हैं, ये अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर समझ लेते हैं। ये सोचते हैं कि देश नीचे है और हम ऊपर, और 3 महीने में ये देश को समझाने जा रहा है कि देश ऊपर है आप नीचे। मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं, कोई इसकी आप किसी गहराई आप नहीं। 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी, 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस ने अपने लोगों को डाल रखा है। कमलनाथ ने बताया मध्य प्रदेश में एक स्पेशल मिनिस्ट्री तैयार गई दी गई, 800 करोड़ रुपए उस मिनिस्ट्री में डाले हैं। आपको मालूम है पैसा कहां गया? आपको मालूम है कि इस मिनिस्ट्री ने क्या काम किया? 800 करोड़ रुपए आरएसएस के लोगों के लिए, 800 करोड़ रुपए एक मिनिस्ट्री, उसमें आरएसएस के सब लोग, और एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कंट्रोल में रखने का सिस्टम, यही काम उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। राजस्थान में तो नहीं कर पाए क्योंकि हम 8 साल पहले वहां थे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, इन स्टेट्स में आरएसएस के लोगों को एक एक करके हम सरकारी इंस्टीट्यूशन में से निकालने का काम करेंगे। और इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए, इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए कि आप आरएसएस की ब्यूरोक्रेसी नहीं हो, आप हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो। और आप किसी संगठन